नमस्ते एवरी वन दिस इज सिमरन बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टिश्यूज में एनिमल टिश्यूज एनिमल टिश्यूज को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म ब्रॉडली चार कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है पहला एपिथीलियल टिश्यू दूसरा कनेक्टिव टिश्यू तीसरा मस्क्यूलर टिश्यू तो चौथा नर्वस टिश्यू इस वीडियो में हम एपिथीलियल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ एनिमल बॉडी में कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनका मेन फंक्शन है एक बैरियर की तरह एक्ट करना और बॉडी सिस्टम्स को एक दूसरे से अलग करना अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के सेल्स के बीच में कुछ सीमेंटिंग मटेरियल होता है और नेग्लिजिबल बहुत ही कम इंटर सेल्यूलर होती हैं उनके सेल्स परमीएबल होते हैं इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सचेंज मटेरियल। परमीएबिलिटी की वजह से आराम से मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एपीथीलियल टिश्यूज सेपरेट होते हैं फ्रॉम दी अंडरलाइंग टिश्यूज उनके नीचे वाले से बाय बाय किससे अलग होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिस जिसके कारण एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो अपने अंडरलाइंग टिश्यूज से सेपरेटेड रहते हैं और अब इनके टाइप की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल स्क्मिस एपिथीलियम स्क्वामा मतलब ही है स्केल ऑफ स्किन तो इनकी डेलिकेट सी सेल लाइनिंग है एंड बहुत ही फ्लैट एंड थिन स्ट्रक्चर है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लंग एल्वियोलाय सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स में तो जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होगा थ्रू सेलेक्टिव पर्मिएबल मेम्ब्रेन वहाँ वहाँ ये पाए जाएंगे आप अपनी स्क्रीन पे इनकी अपियरेंसेज आराम से देख सकते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड कॉमस एपिथीलियम की अगर बात करें तो इसमें सेल्स को सेवरल पैटर्न ऑफ लेयर्स तभी स्ट्रेटिफाइड बोल रहे हैं बिकॉज सेवरल पैटर्न ऑफ लेयर्स हैं इसमें ताकि व्यर एंड टेयर ना हो ये पाए जाते हैं स्किन में नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉलमर एपिथीलियम ये मतलब ही इसका पिलर लाइक -like है तो इसमें टॉल एपिथेलियल सेल्स हैं एंड इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस दिस एपिथेलियल बैरियर्स तो जो जो एपिथेलियल बैरियर होगा उसकी अक्रॉस मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं तो ये कहाँ कहाँ होते हैं जहाँ जहाँ अब्जॉर्बन एंड सीक्रेशन हो जैसे कि इंटेस्टाइन की इंटरलाइनिंग में तो ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं जहां जहां अब्जॉर्बन एंड सिक्रीशन हो जैसे कि इंटेस्टाइन की इंटर लाइनिंग में नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम तो कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे कॉलमनर एपिथीलियल टिश्यू के पास सीलिया होता है सीलिया क्या है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस तो उन कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज को जिनके पास सीलिया है उन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम कहा जाएगा ये कहाँ पे होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया की मूवमेंट की वजह से म्यूकस फॉरवर्ड पुश हो जाता है नेक्स्ट वे टॉक अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्यूब शेप्ड सेल्स हैं और ये मकैनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं कहाँ पाए जाते हैं ये किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में और सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट में आप अपियरेंस इसकी देख सकते हैं कि कैसे क्यूब शेप सेल्स इसमें होते हैं लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लैंडुलर एपिथीलियम कुछ एपिथीलियल सेल्स के पास दे हैव अ स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स जो कि सब्सटेंसेस सिक्रीट कर सकते हैं एट द एपिथीलियल सर्फिस एपिथीलियल टिश्यू का जब कुछ पोशन अंदर की तरफ इन्वर्ट्स फोल्ड हो और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बने, उसको ग्लांडुलर एपिथीलियम कहा जाता है। As you can see the appearance on the screen. That's it for today's video. Thank you and have a very nice day. अगर आपको समझ नहीं आया तो एक या दो बार रिपीट पे ये वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा।